हाई दोस्तों नमस्कार मैं राम कुमार आप लोगों के सामने देश टू पे पहली बार आ रहा हूँ आप लोगों को मैं अपना परिचय दे देता हूँ मैं आर के सर हूँ और मेरी ऑफलाइन क्लासेस प्रोविजन एकेडमी नियर मंडल भांसो मार्केट में प्रतापगढ़ में स्टार्ट है क्लासेस वहाँ ले सकते हैं उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर चौरानवे पचास बहत्तर चालीस बासठ और वहाँ पर मैं जियोग्राफी विथ रीजनिंग और हमारे श्रवंस सर हैं वो आपको मैथ की क्लासेस देंगे और वहाँ पे आपको हिंदी की क्लासेस अदर सभी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश क्लासेस सभी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस स्टार्ट हैं जो भी ऑफलाइन क्लासेस क्षेत्र में लेना चाहते हैं या ले सकते हैं बच्चे उनके लिए सुनहरा मौका है ये आपके गांव और रूरल क्षेत्रों में पहली बार संस्था ओपन की जा रही है तो बच्चों को शहर न जाना पड़े इन सब समस्याओं को देखते हुए संस्थाएँ स्टार्ट की गई हैं चलिए हम अब अप इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं एग्जाम रेस्टू में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम लोग जी में सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जी में बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेगमेंट है जियोग्राफी तो जियोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्र वर्ल्ड का भौगोलिक क्षेत्र फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप सभी सेगमेंट को देखते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हमें देखना है कोई भी मैप देखने के पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं क्योंकि अर्थ देखते हैं तो उसमें अक्षांश और देशांता रेखाएँ हम लोग पोलिटिकल मैप पर आज नज़र डालेंगे शॉर्ट वीडियो में आपको क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य देखना बहुत जरूरी है भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी है पूरे वर्ल्ड की भौगोलिक स्थिति कितनी है हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन सब का निर्धारण किस आधार पर करते हैं तो भारत का जब अच्छांशी या विस्तार देखेंगे तो उसमें कुछ रेखाएं आती हैं तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों को सर्वप्रथम ग्लोब को पढ़ना चाहिए अगर ग्लोब को हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो जोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो उसके लिए हम लोग पहले ग्लोब का आज अध्ययन करेंगे आप लोगों के साथ उस पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ हैं उनको अध्ययन करने के बाद हम एक एक सेगमेंट भारत का भूगोल की तरफ स्टार्ट करेंगे और एक एक भारत की राज्य नदियां पहाड़ियां चोटियां हिमालय पर्वत सब कुछ वन टू वन आपको मिलेगा क्लासेस में ठीक है चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं ग्लोब फिर ग्लोब ग्लोब अच्छा सौ देशांतर रेखाएं तीन चीजें ग्लोब देखेंगे अच्छा सौ देशांतर उस उसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं तो अब क्वेश्चन उठता है आप लोग अब देखते होंगे कोचिंगों में जाते होंगे या किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे कहीं भी ऐसे सार्वजनिक प्लेसेस पे जाएंगे तो ग्लोब अधिकतर स्थान पर मिल जाता है खासकर कोचिंग सेंटर या स्कूलों में तो मिलता मिलता ही है जो छात्र हैं तो हमें ग्लोब पर नज़र रखनी चाहिए ग्लोब होता क्या है ठीक तो ग्लोब की परिभाषा हम लोग देते ले देख लेते हैं चलिए लिखिए आप लोग ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक रूप होता है काल्पनिक संरचना है ग्लोब पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना है जिसका उपयोग हम अध्ययन के लिए करते हैं ठीक एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ग्लोब जैसे हम लोगों का स्टैचू बना के रख दिया जाता है आप लोग जाते हुए कपड़े उपड़े दुकान पे तो मेल फीमेल का स्टैचू रखा है था विद कपड़ों के साथ है, पहने हुए दूसरी तरह पृथ्वी का स्टैचू ग्लोब है ग्लोब क्या है पृथ्वी का एक रूप से प्रतिरूप है ठीक जिसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग अध्ययन के लिए करते हैं ठीक तो ग्लोब देखते हैं ग्लोब है पूर्णता गोला तो नहीं बन रहा होगा फिर भी कोशिश तो यही है आप लोग समझ लेंगे ठीक ना ये ग्लोब है आपका हमारी पृथ्वी झुकाव कितना है साढ़े तेईस डिग्री ठीक ये इस पे आना चाहिए चलिए बना देते हैं ठीक ना ये ग्लोब आपका बन के तैयार हो रहा है आप लोग आते जाते अपने कोचिंग सेंटर में हर जगह ग्लोब दिखाई दे रहा होगा नहीं गोला गोला बन पा रहा ना सुधार कर रहे हैं ग्लोब बन जाएगा दो सेकंड में ठीक ना ग्लोब बन गया ग्लोब पे कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं एक अक्षांश दूसरी देशांतर ठीक तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमें देखना है ठीक तो ये देख रहे हैं हम इधर देख रहे हैं तो देख ली झुकाव ये भा... पृथ्वी झुकाव कितना है इतना साढ़े तेईस डिग्री हमें याद रखना चाहिए पृथ्वी झुकाव कितना है साढ़े तेईस डिग्री ठीक ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं ये देखिए अब पृथ्वी हम बनाते हैं ये पृथ्वी हो गया यही उठा के यहां रख लिए ग्लोब का ही जो पृथ्वी का प्रतिरूप है ठीक ना ये हम आपको थ्री डी में दिखाए हैं थी एक रूप से जिस तरह ग्लोब दिखता है उसको देखने के लिए समझ लिए, समझ लीजिए कैसा होता है तो इस पर कुछ रेखाएं दे, होती हैं महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाए अभी हम अक्षांश रेखा देख रहे हैं इसे जीरो डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं कितना जीरो डिग्री अक्षांश रेखा इसका मूल नाम क्या है विषुवत रेखा विषुवत रेखा ठीक अब ये जीरो डिग्री विश्व रेखा है ठीक इसे जीरो डिग्री अच्छा रेखा होती है विश्व रेखा कितने डिग्री अच्छा रेखा होती है जीरो डिग्री नोट कर लेना ठीक इसके उत्तर और दक्षिण दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं ठीक उसका नाम क्या है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने डिग्री पर है साढ़े तेईस डिग्री पर है ठीक ये दक्षिण है ये नॉर्थ है साढ़े तेईस डिग्री हमें याद रखना चाहिए ये आपका रेखा हो गया रेखा का कार्य क्या विश्वत रेखा का कार्य क्या एक रूप से कहा जाएगा विश्वत रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में डिवाइड कर देती है पृथ्वी को दो रूप में बांट देती है विश्ववत रेखा आपकी ठीक है जीरो डिग्री अक्षांश रेखा विश्व अक्षांश रेखा के सहारे सबसे बड़ा वृत्त भी विश्वगत रेखा के सहारे पाया जाता है और विश्वगत रेखा का इम्पोर्टेंट सी क्या है सूर्य वर्ष में दो बार बारे विश्वगत रेखा चमकता है वर्ष में कितनी बार सूर्य चमकता है लंबवत दो बार कब कब चमकता है देख लेते हैं अभी अलग से उसको समझाएंगे फिर भी यहाँ देख लो इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर ठीक नोट कर लेना नहीं दिख रहा होगा तो नोट जरूर कर लेना इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को सूर्य विश्ववत रेखा पे चमकता है लंबवत और इस कर्क रेखा पे कब सूर्य चमकता है इक्कीस जून को लंबवत चमकता है कब चमकता है इक्कीस जून मकर रेखा पर बाईस दिसंबर डेट नोट कर लेना डेट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है आप लोगों को ये आपका हो गया सूर्य का लंबवत चमकना ठीक सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा से होते हुए चमकता रहता है वर्ष में दो बार विषुवत रेखा चमकेगा कर्क रेखा मकर रेखा पे एक बार जाता है वर्ष में याद रखना इतना ठीक ना अब इसके उत्तर और दक्षिण साढ़े छाछठ डिग्री पे एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है इसे क्या कहते हैं साढ़े डिग्री को आर्कटिक रेखा साढ़े छठ डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं अंटार्कटिक रेखा ठीक इनकी विशेषता क्या है आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में छ छ महीने के रात और छह महीने के दिन की स्थितियां बनती है ठीक इसको हम किसी दिन आपको अगले टॉपिक में अच्छे समझा देंगे विद ग्लोब के साथ अभी आ, हमारे पास यहाँ पे ग्लोब नहीं है वरना हम समझा क्लास रूम में रखा है आपको समझा देंगे हम ठीक ना कैसे वर्ष भर छ महीने का दिन छह महीने का रात होता है झुकाव के कारण इतना हो गया अब पृथ्वी का घूर्णन हम बता चुके हैं आपको पृथ्वी ये अच्छा रेखा है महत्वपूर्ण देख लीजिए हम और देख लीजिए अच्छा रेखा का टॉपिक है दो लिख लीजिए दो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे ऐसे 90 अक्षांश रेखाएं हैं ये 90 डिग्री साउथ है ये 90 डिग्री नॉर्थ है तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है ये महत्वपूर्ण है लिख लो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और अच्छा रेखा की विशेषता क्या है विश्वत रेखा विश्ववत रेखा के सहारे सबसे बड़ा अच्छाशी वृत्त पाया जाता है ठीक ना और अच्छाश रेखा हम देख लिए ठीक दो अच्छा रेखा के बीच की दूरी भी देख लिए चलिए अब अच्छाश रेखा का टॉपिक सभी अच्छा रेखा समझ सभी चीज़ देख लिए अब हम देखेंगे देशांतर रेखा तो इसे इरेज करते हुए देशांतर रेखा हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा व्यवस्थाएं हो रही धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी अभी डेस्टर नया है उससे इरेज नहीं हो रहा है इसलिए आप लोगों के सामने इस कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है चलिए देखते हैं देशांतर रेखा ये जैसा फिगर बन रहा आपका ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा है नॉर्थ पोल ये क्या है साउथ पोल ठीक देशांतर रेखा उसे कहते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं ठीक ना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं ठीक अब देशांतर रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो कैसे हुआ था हम लोग देखेंगे पहली बात तो लिख लो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है ठीक अभी देशांतर रेखा का निर्धारण 1984 में हुआ था 1884 में अठारह में हुआ था ठीक ना कब हुआ था अठारह में यहीं पर एक शहर है देश है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या यूके कहते हो उसी का एक प्रांत है लंदन ठीक ना लंदन की राजधानी ठीक लंदन है लंदन है चलिए लंदन देखिए ठीक लंदन में क्या है एक शहर है उसका नाम क्या है है ठीक एक ग्रीन बीच साला है, याद आ गया ठीक यहीं पर ग्रीन बीच वेदशाला है ठीक ग्रीन बीच वेदशाला में इसका परीक्षण किया जा रहा है एक बैठक हुई थी ग्रीन बीच वेदशाला में बैठक हुई थी संयुक्त राज्य में जहाँ पर निर्धारण किया गया कहाँ से आपकी जीरो डिग्री देशांतर देखा जाएगी कहाँ से आपका वन एट्टी डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहा जाता है उसका निर्धारण किया गया यहीं पर बैठक में ठीक ना तो जीरो डिग्री ग्रीन बीच बेस साला से जीरो डिग्री देशांतर देखा जाती है इसे क्या कहते हैं हम लोग या प्रधान या मोत्ता रेखा लिखो प्रधान या मोत्तर रेखा ठीक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है आई एस टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है इसे याद रखना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम प्रधान यामोत्तदे का जीरो डिग्री देशांतर देखा से ठीक ना ये यू इंग्लैंड के किस शहर से लंदन के किस शहर से अभी बता चुका हूँ ग्रीनविच बेसाला से जाती है ठीक ना लंदन में ग्रीनविच बेसाला वहीं जाती है चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय अब इसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक महत्वपूर्ण है, है। जस्ट आप लोगों जैसे पता है जीरो डिग्री देशांतर रेखा हो गई ठीक ना इसको जस्ट अपोजिट पृथ्वी का कितना है एक सौ तीन सौ साठ डिग्री घूमती है ना पूरा गोला गोला ले, ले लेंगे पृथ्वी तो तो जस्ट उसके पीछे कितने डिग्री देशांतर रेखा होगी एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर रेखा तो एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को एक अपना घूर्णन करने में कितना समय लगता है चौबीस घंटा लगता है ठीक तो जीरो डिग्री देशांतर के पीछे कितना लग जाएगा आधी पृथ्वी घूमने में बारह घंटे ठीक तो जैसा आप लोगों को पता है बारह घंटे बाद दिन और रात का डिफरेंट हो जाता है बारह घंटे कहीं बीत जाता है तो कहीं दिन तो कहीं रात हो जाएगा तो एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर रेखा आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ठीक इसी भी देख लो अब इसी के जस्ट अपोजिट है मान लीजिए ये उसके अपोजिट है ठीक है बैक साइड है कितनी डिग्री है 180 डिग्री देशांतर रेखा है ठीक 180 डिग्री इसे क्या कहा जाता है अंतर राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन इसकी विशेषता ये है हम देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषता क्या है ठीक ना

क्योंकि 24 घंटे का डिफरेंट है उम्मीद है आप लोगों को अक्षांश रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम तीनों एक ही नाम है उसके बाद थोड़ा जानकारी मिली होगी उसके बाद हमने आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानकारी दी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी अब अच्छांश और देशांतर रेखाएँ आपकी हो गई आपने दे, अच्छा रेखाओं में कर देखा मखन रेखा विश्व रेखा सब देख चुके हो तो देशांतर रेखा में कुछ बचा हुआ है हाँ ठीक देशांतर रेखा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है कई जगह से फोल्ड हुई है कई शहरों कई ये सागरों पे जाती है चक्ची सागर बेरिंग सागर बीव सागर के आसपास से जाती है ठीक ना वही प्रशांत महासागर है वहीं से होते हुए जा रही है ये कई जगह से फोल्ड हुई है इस पर हम चर्चा किसी अच्छे से करेंगे आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी जगह से फोल्ड हुई है और इसकी विशेषता क्या है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे क्योंकि आता है यू पी पी में पूछला पूछता है यू पी पी एस सी यू पी एस सी दोनों पूछता है ये पी में तो इसकी चर्चा करेंगे तो और पृथ्वी का आकार कैसा है एक छोटा सा इस एक पृथ्वी का आकार कैसा है नॉर्मली आप कहते हैं अंडाकार गोलाकार तो अंडाकार गोलाकार का भी मत कहना पृथ्वी का आकार कैसा है जीओ है याद रखना पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है अपनी धुरी पर बेस्ट टू ईस्ट ठीक बेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है ये भी ध्या, ध्यान इसी में इसी इसी का टॉपिक है और पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण याद है पृथ्वी के घूर्णन ही पृथ्वी दिन और रात करने के लिए निर्धारित करता है और दूसरा के और क्या और है पृथ्वी परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है और उसके झुकाव के कारण दोनों रीजन उसके लिए ऋतु परिवर्तन होता है ठीक और अक्षांश रेखा का मुख्य कार्य क्या होता है ये तापमान आधारित करता है तापमान इसके लिए डिफरेंट दिखाता है ठीक जैसे कि सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी ठंडी होगी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा रेखा के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी तापमान निर्धारित करता है इसके आधार देखते हैं देशांतर रेखा समय और तिथि निर्धारित करता है आप लोगों जैसे बता चुका हूँ प्रधान या लाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यहीं से टाइम निर्धारित होता है अब एक चीज़ और देख लीजिए भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है भारत कहाँ पर अवस्थित है भारत यहीं पर अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है ठीक ना तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो साढ़े बयासी डिग्री माना गया है साढ़े बयासी डिग्री देशांतर रेखा ठीक साढ़े बयासी डिग्री देशांतर रेखा प्रधान या मोत्तर रेखा कितना आगे है साढ़े पांच घंटे आगे है याद रख लेना साढ़े पांच घंटा आगे है ठीक ना तो हमारा टाइम उस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम हम पा, साढ़े पाँच घंटा आगे हैं ईस्ट में पढ़ते हैं ठीक साढ़े बयासी डिग्री तो हमारा टाइम निधान इससे पहले हो जाता है हमारे यहाँ सुबह साढ़े पाँच घंटा पहले हो जाती है उनके यहाँ सुबह हमारे से पाँच घंटा साढ़े पाँच घंटा लेट होती है इसीलिए हम आगे हैं ठीक ना तो उम्मीद होगी आप लोगों को वीडियो हमारी क्लास समझ में आई होगी आप लोगों से आग्रह है आप अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब लाइक कराने का हर संभव प्रयास करेंगे और अगली बार इससे और अच्छी क्लास और मैटर के साथ आप लोगों इसके आगे अब अच्छा दिशा रेखाओं बता दिया अब भारत का भौगोलिक क्षेत्र भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री तक अवस्थित है भारत का एक एक टॉपिक जितने भी एग्जाम व्यू से हैं सब उस पर पहाड़ियाँ नदियाँ झीलें जलवायु मौसम सब कुछ वनस्पतियाँ सब कुछ देखेंगे जैसे भारत की अवस्थिति कितनी है सब एक एक राज्य कौन राज्य किससे सीमा बना रहा है कितने पड़ोसी राज्य हैं किसकी सबसे लंबी सीमा सबसे छोटी सीमा सब सीमा, कुछ है देखेंगे चलिए ठीक है क्लास कोवर करते हैं आप लोगों से आग्रह है आप चैनल को अधिक अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कराएंगे ओके धन्यवाद